आज मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ चीज़ें, कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ शब्द का प्रयोग किया गया हो, मगर उसके पीछे की भावना यदि देखो तो बड़ा गहन गंभीर सोच का विषय बन जाता है। किसी समय में किसी का 25 साल का हो गया तो हम सिल्वर जुबली मनाते थे, 50 साल का हो गया तो गोल्डन जुबली मनाते थे, स्वर्ण महोत्सव मनाते थे, 75 साल का हो गया तो हीरक महोत्सव डायमंड जुबली मनाते थे। भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष हीरक महोत्सव नहीं मना रहे हैं, हम लोग क्या मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब इस अमृत शब्द को पीछे क्या क्या हो सकता है, अमृत शब्द कौन सी संस्कृति का है, अमृत शब्द कौन से धर्म से आया है। हाँ जरूर मुस्लिमों में भी है इसका पर्यायी शब्द, उसको शायद आबे हयात कहते हैं, उर्दू में उसको आबे हयात कहते हैं, अंग्रेजी में उसको नेक्टर कहते हैं। बुद्धाचार्य जी बुद्ध के भाषा में, बुद्ध के संबंध में अमृत शब्द को क्या है, कोई पाली शब्द है, मैंने नहीं पढ़ा, जरूरत ही नहीं है ना। बुद्ध मानता है कि आदमी जिंदा, आदमी जन्म को आया तो मरने वाला है, अमर शब्द ही नहीं है ना, आदमी अमर नहीं है तो फिर अमृत की जरूरत क्या है धम्म के लिए। अमृत का मतलब क्या है कि अमृत पीने से आप अमर हो जाओगे, बराबर है। ये शब्द कौन सी संस्कृति से है, धर्मों की संस्कृति से आया है। और फिर प्राचीनतम धर्म कौन सा है, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये सारे जो प्रस्तापित धर्म है इसमें प्राचीनतम धर्म है हिंदू, प्राचीनतम धर्म कौन सा है, हिंदू है। फिर मुस्लिमों ने कहाँ से लिया, क्रिश्चियनों ने कहाँ से लिया, बाकी के धर्मों में कहाँ से लिया, तो यह मूलतः ऐसे मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, कल सोच रहा था मैं कहाँ से आया, हिंदू धर्म से। और आज स्वतंत्रता के 75वें साल को भारत में जो मनाया जा रहा है, कोई भी उसे हीरक महोत्सव नहीं कहता, हम सारे ही लोग उसको अमृत महोत्सव कहने लग गए हैं, बराबर है। कैसा आरोपण है ये, इसको सटल कहते हैं अंग्रेजी में, आपके जानकारी के बगैर आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि हम कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको महसूस ही नहीं होगा कि गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी संस्कृति का यह शब्द नहीं है, हमारे धर्म का यह शब्द नहीं है, और भारतीय होने के नाते यदि कोई शब्द प्रयोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हो जो विशिष्ट धर्म का पुरस्कार करते हो, तो संविधान उनको भी मना करता है, व्यक्तिगत जीवन में आप कर सकते हैं। तो भारतीय होने के नाते, या मैं अपने धम्म की बात भी कहूँ, तो क्या मैंने इसको अमृत महोत्सव कहना चाहिए, कहना चाहिए, तो ये बात। और फिर उसके आगे मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि आपने बजट का भाषण सुना है क्या, आपने बजट का भाषण तो इतने कम लोगों ने सुना, बजट को पढ़ने का, यानी निर्मला सीतारामन जी का बजट का भाषण पढ़ने का तो सवाल ही शायद नहीं है, सुनना ही मेरे लिए कठिन था, इतना समझ में नहीं आ रहा था वो भाषण, तो फिर उसका कॉपी प्रिंट आउट निकालना, पढ़ना वगैरह वगैरह, शायद मुझे आपने यह बोझ नहीं लादा होता मेरे ऊपर संपादक ये लिखने का या संपादक बनने का, तो शायद मैं भी ये कोई पढ़ने की जहमत उठाता ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर उस बजट भाषण का आरंभ होता है, मैं अब अपने ढंग से बात करना चाहूँगा, तो क्योंकि अपने ढंग से इसलिए बात करना चाहूँगा कि हमारे देश में ऐसा माना जा रहा है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है, हम भले ही मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को बड़े अजीब ढंग से सिखाया जाता है, बताया जाता है, और हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश इतना हो गया 70-75 साल में कि चुनाव मतलब डेमोक्रेसी, हमारे लिए डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है,
अब्राहम लिंकन की तो व्याख्या कभी कभी याद आ जाती है, बाबा साहब की तो हम पढ़े भी नहीं, जानते भी नहीं, परंतु हमारे लिए, भारतीयों के लिए, 99% लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल और केवल चुनाव है। जब तक चुनाव होते रहेंगे तब तक भारत में डेमोक्रेसी है, ऐसा भारतीय मानेंगे, ऐसा भारत के लोग मानेंगे, और जो नहीं मानते हैं उनको मनवाया जाएगा, उनको मनवाया जाएगा। यह डेमोक्रेसी नहीं है ऐसा बोलने के लिए डेमोक्रेसी समझनी पड़ेगी। यह डेमोक्रेसी नहीं है, यह केवल उपचार है डेमोक्रेसी के नाम पर, ऐसा बोलने के लिए भी डेमोक्रेसी समझनी पड़ेगी। समझने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम अपनी सोई सुविधा से हम लोग करते हैं, तो डेमोक्रेसी कौन समझेगा? भैया वो डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखा ना तो अच्छा ही कुछ होगा, डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र बोला है ना तो निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर कभी गलत बोलते नहीं है, डॉक्टर आम्बेडकर समाज का बुरा थोड़ी ही चाहते थे, और इसीलिए तो अच्छा होने वाला। अब उस पर दिमाग खर्च कर उस पर आज 70-75 साल बाद तर्क कर करना क्या है हम लोगों को? तो इसीलिए दुनिया आज भारत में डेमोक्रेसी मर गई है कहती हैं, भारत में दुनिया कहती हैं कि इलेक्ट्रोक्रेसी है। क्या कहती हैं? डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्ट्रोक्रेसी है। इलेक्ट्रोक्रेसी का मतलब केवल चुनाव, केवल चुनाव, और चुनाव है इसलिए डेमोक्रेसी है ऐसा माना जा रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं मानता डेमोक्रेसी को, इसलिए थोड़ा सा अलग ढंग से मैं बात करूंगा कि मंगलवार दिनांक 1 फरवरी 2022 समय प्रातः 11 बजे महाराजा धीराज नरेंद्र मोदी जी का दरबार, जिसको आप संसद कहते हो, जिसको आप संसद कहते हो, महाराजा धीराज नरेंद्र मोदी जी का दरबार, वित्त प्रधान, क्योंकि जब दरबार होता है राजा होते हैं तो वहाँ मंत्री भी होते हैं, तो वो अलग अलग खाते के मंत्री होते हैं। अकबर के ज़माने के मंत्री हम लोगों को मालूम है, बीरबल, राजा तोडरमल वगैरह वगैरह मंत्री होते थे। तो वित्त प्रधान मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, या उसको वित्त अमात्य भी कहते हैं, अमात्य शब्द बड़ा संस्कृताई शब्द है, वित्त अमात्य, श्रीमती निर्मला सीतारामन जी घोषणा करती है हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में, यही शब्द प्रयोग है वहाँ पर, हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में। तो क्या बताया जा रहा है? अमृत महोत्सवी वर्ष में, और इस वर्ष में हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अंग्रेजी शब्द नहीं है वहाँ पर, इसको इंग्लिश लिपि में, रोमन लिपि में अमृत काल लिखा गया है, बराबर है क्या? इसको नेक्टर पीरियड नहीं कहा गया है, इसको अमृत काल ही किया गया है। क्यों लिखा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद क्यों नहीं किया गया? मेरा दिमाग ना कुछ बड़ा अलग ढंग से सोचने लगता है कि उसका अंग्रेजी अनुवाद क्यों नहीं किया गया। वैसे ही फिर सोचते सोचते इस बात पर आया कि बाबा साहब ने बुद्धिस्ट रिलीजन क्यों नहीं कहा, धम्म का ही प्रयोग क्यों किया, धम्म का अनुवाद क्यों नहीं किया अंग्रेजी में? आपके दिमाग में नहीं आते क्या कभी कभी ऐसे सवाल? आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि बाबा साहब ने अंग्रेजी की किताब लिखते हुए बुद्ध एंड इज धम्म, वहाँ पर धम्म शब्द क्यों प्रयोग किया, बुद्ध एंड इज हिज रिलीजन क्यों नहीं कहा? क्योंकि रिलीजन को वो सेंस नहीं है, धम्म का अनुवाद रिलीजन हो नहीं सकता, और इसीलिए अमृत का अनुवाद नेक्टर भी हो नहीं सकता, इसीलिए अमृत का अनुवाद नेक्टर भी नहीं हो सकता। क्या निर्मला सीतारामन जी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली विद्वान महिला को नेक्टर शब्द मालूम नहीं है, फिर भी उसने अमृत काल, फिर भी उसने अमृत महोत्सव क्यों कहा? अमृत महोत्सव, अमृत काल, और फिर कह रही हो हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं,
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। और फिर कुछ लोगों को मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे समझ में तो नहीं आया कि अमृत काल क्या होता है। मुझे भी लगा, मेरे भी समझ में तो नहीं आया कि अमृत काल क्या होता है। तो बजट में कुछ इसके क्लूज मिलते हैं क्या, बजट में कुछ देखने को मिलता है क्या कि अमृत काल का अर्थ क्या है? तो फिर यह आरंभ में कहा गया है उनके भाषण के, अमृत काल, और अंत में महाभारत का एक श्लोक दिया गया है। अंत में महाभारत का एक श्लोक दिया गया है। टैक्स का प्रपोजल जब रखा गया था तो वहाँ पर महाभारत का एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक संस्कृत में भी है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, परंतु उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से किया जा सकता है। यह श्लोक है महाभारत शांति पर्व अध्याय 72 श्लोक क्रमांक 11। उसमें कहा गया है, राजा ने धर्म संगत मार्ग से कर वसूल करना चाहिए, टैक्स वसूल करना चाहिए, धर्म संगत माध्यम से टैक्स वसूल करना चाहिए। इसका मतलब, यदि महाभारत काला, यदि ब्राह्मण किसी की हत्या करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, यदि क्षत्रिय किसी की, ब्राह्मण की हत्या करता है तो सबसे अधिक दंड उसको लगाया जाना चाहिए, तो सबसे अधिक कर उस पर ही लगाना चाहिए। उसके बाद में कहा गया है कि और सारे ही प्रकार की शिथिलता त्याग कर राजा ने धर्म के आदेशानुसार शासन कर कर प्रजा का कल्याण करना चाहिए। कर कैसे वसूल करना चाहिए? धर्म की देशना के अनुसार। कल्याण कैसा करना चाहिए? धर्म के आदेशानुसार। राजा ने किसका धर्म पालन करना चाहिए? राजा ने धर्म का पालन करना चाहिए। और फिर धर्म कौन बताएगा राजा को? राजा का पुरोहित बताएगा। तो पुरोहित ने जो धर्म बताया है उसी आधार पर राजा ने शासन करना चाहिए। तो अब समझ में आ गया अमृत काल क्या होता है। अमृत काल शायद महाभारत काल में होगा, और महाभारत काल में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, जिस प्रकार का समाज था, वही समाज अमृत काल में होगा। अभी 75 साल में हम नया भारत निर्माण करने जा रहे हैं, नया भारत निर्माण 2047 में जो भारत होगा वह महाभारत का भारत होगा, शायद वह महाभारत का भारत होगा। और फिर शायद निर्मला सीतारामन जी को समय कम था, क्योंकि उन्होंने एक टीवी पर कहा कि भाई मैंने 1 घंटा 31 मिनट ही भाषण किया और आप कहते हो कि यह सबसे कम समय मैंने किया, मेरा यह चौथा बजट था परंतु मैंने इसमें सबसे कम समय लिया। उतने में भी लोग सोने लग जाते हैं। लोगों ने कहा है कि भाषण जरा कम समय करा करो इतना लंबा, क्योंकि पिछले बजट में उन्होंने शायद 2 घंटे से ऊपर का समय लिया था। इसलिए समय कम था, इसलिए उन्होंने ये अमृत काल के बारे में अधिक विवरण देना आवश्यक नहीं समझा। बजट में किसी प्रकार का स्टैटिस्टिक देना भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। बाकी की बात तो छोड़ दीजिए, यदि बजट का भाषण पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे तो उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सिर्फ 2-4 आंकड़े दिए गए हैं कि सारा बजट 39 लाख करोड़ का होगा और बजट सरकार की आमदनी 22 लाख करोड़ की होगी। 17 लाख करोड़ कहाँ से सरकार पूरी करेगी मालूम नहीं, बजट में इसका कोई भाषण में विवरण नहीं है, अन्य स्थानों पर भी कोई बहुत अधिक विवरण नहीं है। शायद निर्मला सीतारामन जी महाभारत काल की याद दिलवा रही होगी। कैसा था महाभारत का काल, आइए हम जरा सोचें उसके लिए। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मालूम नहीं मुझे, मगर मैं कभी कभी बहुत कुछ पढ़ते रहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ महाभारत काल के संबंध में भी। द्रौपदी का कैरेक्टर जो है, द्रौपदी का कैरेक्टर बहुत प्रसिद्ध कैरेक्टर है महाभारत में। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि महाभारत द्रौपदी की वजह से भी हुआ होगा। तो द्रौपदी का कैरेक्टर क्या बताता है? द्रौपदी का कैरेक्टर पहले तो ये बताता है कि उसको 5 पति थे, ये भी उसकी इच्छा के विरुद्ध। बहुपतित्व हो सकता है परंतु यह भी बहुपतित्व की प्रथा, बहुपत्नित्व की प्रथा होती है, तो बहुपतित्व की भी प्रथा हो सकती है उसकी इच्छा से। परंतु
अर्जुन ने उसको जीत कर लाया, पत्नी बनाकर लाया। माँ, अर्जुन की माँ या पांडवों की माँ अंदर बैठी थी, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक सौगात लाई है, एक भेंट लाई है। माँ ने कहा पांचों भाई बांट कर खा लो। माँ ने क्या कहा कुंती ने, पांचों भाई बांट कर खा लो। तो पांच भाइयों की पत्नी हो गई, क्योंकि माँ की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है पांचों भाइयों के बांट कर खाना है, तो पांच भाइयों की पत्नी हो गई। और फिर यह द्रौपदी जुए में हारी गई, और फिर हारने के बाद द्रौपदी पर जीतने वाले का अधिकार हो गया। ये द्रौपदी रजस्वला थी, मतलब उसको मासिक स्त्राव चल रहा था, उस समय एक ही वस्त्र पहने थी। उस अवस्था में उसको खींच कर लाया गया दरबार में, बाल पकड़कर घसीट कर लाया गया। और फिर वो सवाल पूछती है सभा से, सवाल पूछती है, क्या जो पहले स्वयं को हार चुका है उसको मुझको दांव पर लगाने का अधिकार है? और वो तो गुलाम हो गया ना, तो फिर मुझको उसको दांव पर लगाने का अधिकार है? भीष्म जैसे पितामह वहां बैठे हुए हैं, उसके सवाल का जवाब कोई देता नहीं। उसका वस्त्र उसको नग्न किया जा रहा है। वो सवाल पूछती हैं कि क्या ये सभा को यह सारा मंजूर है? कोई भी उसको न्याय नहीं देता। हाँ, वस्त्र जरूर दिया जाता है उसको, उसको नग्न होने से नग्न नहीं किया जाता, उसको वस्त्र जरूर दिया जाता है, परंतु उसको न्याय नहीं मिलता। क्या यह अमृत काल होगा? क्या इस प्रकार का अमृत काल की कल्पना करती है महिलाओं के लिए एक महिला, निर्मला सीतारामन जी? अमृत काल इसको कहते हैं? यदि इसको कहते हैं तो सोचने की बात है। अमृत काल का और एक उदाहरण है महाभारत का, कर्ण का उदाहरण है। कर्ण कुंती पुत्र, कुंती को जो भी पुत्र हुए वो उसके पति से नहीं हुए हैं। कुंती के दो पुत्र और माद्री के तीन पुत्र, ये उसके पति से नहीं हुए, पंडु से नहीं हुए हैं ये पुत्र, ये नियोग से हुए ऐसा कहा जाता है। किसी और पुरुष के संपर्क में, नियोग उसको नियोग कहते हैं, किसी और पुरुष के संपर्क में आने के बाद जो संतति होती है वो पति की संतति कहलाती है, उस पुरुष की नहीं, वो पति की संतति कहलाती है। परंतु इसको नियोग कहते हैं। यदि पति पत्नी को पुत्रवती करने में असमर्थ है तो किसी और पुरुष के माध्यम से पुत्रवती हो सकती है, उसको नियोग कहा जाता है। पुत्र पति के नाम से जाने जाएंगे। धर्म, अर्जुन, बाकी बचे हुए सारे ही पंडु के पुत्र कहलाते हैं, परंतु कर्ण कुंती का पुत्र होते हुए भी पांडव नहीं था, क्योंकि विवाह से पहले का था, वह भी किसी और से हुआ था, विवाह के पहले का था। उस कर्ण को क्षत्रिय नहीं माना गया, उस कर्ण को प्रशिक्षण नहीं दिया गया, प्रशिक्षण लेने के लिए, धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेने के लिए कर्ण परशुराम जी के पास पहुंच गया। उस समय शायद श्री कृष्ण और परशुराम दोनों विष्णु के अवतार जिंदा थे। कर्ण परशुराम जी के पास पहुंच गया, परशुराम जी ने उसको धनुर्विद्या सिखाई, सारे अस्त्र शस्त्र दिए, परंतु वो वापस भी ले लिए। क्यों वापस ले लिए? इसलिए वापस ले लिए कि एक बार परशुराम जी सो रहे थे, ऐसी नींद लग गई उनको, कर्ण को लगा कि मेरे गुरु हैं, सो रहे हैं, नींद लग गई है, परंतु सिरहाने उनके कुछ भी नहीं है, तकलीफ हो रही होगी। उन्होंने उनका सिर अपने मांडी पर, जंगा पर ले लिया और बैठे। इतने में एक कीड़ा कर्ण की मांडी में घुस गया, वो उसको काटने लगा, कर्ण की मांडी से खून बहने लगा, जंगा से खून बहने लगा। और खून बहने के पश्चात कर्ण बड़ी दुविधा में, यदि जगाता हूँ तो फिर शायद
मेरा गुरु गुस्सा हो जाएगा कि जगाया क्यों, नहीं जगाता तो ये जो मेरी जान का खून बह रहा है इससे उनकी नींद टूट सकती है, पूछेंगे कि जान का खून क्यों जगाया क्यों नहीं, तो फिर परेशानी, बड़े परेशानी में पड़ गया कर्ण, नहीं जगाता हो। बाद में परशुराम जागते हैं और खून देखते हैं, खून देखने के बाद कहते हैं कि भाई तूने जगाया क्यों नहीं, तो बोलता आपकी नींद टूटने वाली। परशुराम कहते तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, क्योंकि कर्ण ने झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे धर्म निर्देश सिखाओ, तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण किसी के भी लिए इतनी पीड़ा नहीं सह सकता, भले गुरु हो, ब्राह्मण किसी के भी लिए इतनी पीड़ा नहीं सह सकता, तुम ब्राह्मण नहीं हो, मैं तुझे शाप देता हूँ कि युद्ध के ऐसी घड़ी में जब तुझे शस्त्रास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता है होगी तब मैं तब तब तुझे यह शस्त्र याद नहीं आएगा। यह है महाभारत। और फिर महाभारत के युद्ध में कर्ण को धर्म का रक्षक श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देता है कि यही समय है कर्ण को मारना चाहिए, क्योंकि कर्ण अभी शस्त्रधारी नहीं है, उसने शस्त्र नीचे रख दिए हैं, उसके रथ का चक्र धरती में घुस गया है, उसको निकालने के लिए वो प्रयास कर रहा है, अभी तुम कर्ण को मार सकते हो अन्यथा मार नहीं पाओगे। कर्ण श्री कृष्ण को कहता है कि शस्त्र नीचे रखे हुए क्षत्रिय को कोई भी युद्ध में मारता नहीं है, यह धर्म युद्ध नहीं अधर्म युद्ध है। तो श्री कृष्ण कहता है कि तूने कब धर्म का पालन किया है तो हमें ज्ञान देने की तुझे क्या जरूरत है। वही आज मोदी जी कहते हैं, कांग्रेस के समय में तो यह सब हो रहा था, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जिन्होंने स्वयं पूर्व में पाप किए हैं वह हमारे पापों के लिए हमें दोषी ठहरा नहीं सकते, बड़ा अजीब सा न्याय है। तुमने झूठ बोला इसलिए यदि मैंने झूठ बोला तो तुम मुझे बोल नहीं सकते कि तुम क्यों झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम भी झूठ बोलने वाले हो। तो यह न्याय महाभारत से चलता आ रहा है, एकलव्य की कहानी हम सब लोगों को मालूम है, और इसीलिए यह अमृत काल है, चिंता मत कीजिए, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। और अमृत काल होने की वजह से देखिए संवैधानिक परंपराएं कैसी तोड़ी जाती हैं। बजट एक वर्ष का होता है, बजट में एक वर्ष का लेखा जोखा देना होता है, परंतु निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह कहती हैं कि यह अमृत काल का बजट है, 25 साल के लिए बजट है, इसलिए इस वर्ष की लेखा जोखा या इस वर्ष के बारे में संबंध में फिगर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, यह 25 साल के लिए बजट है। मगर शायद भारत एक कहावत है कि कुछ लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख बनाया जाता है जा सकता है, सारे ही लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को सारे ही समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है और सारे ही लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, परंतु सारे ही लोगों को सारे ही समय के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ऐसी एक कहावत है। शायद यह कहावत भारत के लोगों को लागू नहीं होती, क्योंकि भारत के लोग ऐसे हैं कि भारत के लोगों को सारे ही समय मूर्ख बनाया जा सकता है, सारे ही समय मूर्ख बनाया जा सकता है। और इसीलिए 2017 में अरुण जेटली जब वित्त प्रधान थे, वित्त अमात्य थे, तब उन्होंने कहा था कि जब हम भारत के स्वतंत्रता का हीरक महोत्सव मनाएंगे तब हमें एक नया भारत बनाना है, उसकी तैयारी 5 साल में हम एक नया भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यह बजट 5 साल का विजन सामने रखता है। 2017 में नया भारत बनाने का संकल्प किया गया था और 5 साल का बजट दिया था, उस 5 साल में क्या हुआ उसका कोई भी लेखा जोखा 2022-23 के बजट में नहीं है, उसका कोई भी लेखा जोखा 2022-23 के बजट में नहीं है।
पांच साल में क्या हुआ मालूम नहीं, अभी 25 साल का सपना बताया जा रहा है। इसके पहले एक साल का बजट होता था, बाद में अरुण जेटली ने उसको 5 साल का बनाया, अब निर्मला सीतारामन जी ने उसको 25 साल का बनाया। क्या ढूंढोगे? ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक प्रतिक्रिया थी, यह बजट 25 साल के लिए है और फिर इसको आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, ढूंढने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपके लिए है ही नहीं, यह आपके लिए है ही नहीं। आज पैदा हुआ व्यक्ति मतलब भारत के अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता के वर्ष में पैदा हुआ व्यक्ति जब 25 साल का होगा तो उसके लिए बजट है, उसको समझने दीजिए ना। आप अपने दिमाग को क्यों परेशान कर रहे हैं, आपके लिए है ही नहीं। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको आप समझने का प्रयास क्यों करते हो, और इसीलिए हमने आपको इसको लिए समझने का प्रयास भी करने की जरूरत नहीं। कैसा होगा अमृत काल? निर्मला सीताराम जी कहती है बड़ा आबादी आबाद होगा, सब तरफ आबादी आबाद होगा, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो जो चाहेगा वह मिलेगा उसको। क्योंकि शायद गीता का जब ज्ञानेश्वरी में अनुवाद किया गया था तो वहाँ मराठी में कहा गया कि जो जो जे जे वांछिल ते लाहो, जिसको जो जो भी चाहिए वह मिलना चाहिए, हम देंगे। परंतु आज का जमाना जो है इसको वर्चुअल युग कहा जाता है, वर्चुअल पीरियड कहा जाता है। वर्चुअल का हिंदी मराठी अनुवाद क्या है? आभासी जग। सही बात है, आज का जग कौन सा है? आभासी है, वर्चुअल है। इसको शंकराचार्य जी माया कहते हैं, इसको आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? माया कहते हैं। सारा जग माया है, सारा जग मिथ्या है। और फिर एक बार एक हाथी उनको मारने के लिए दौड़ा तो ये भागने लग गए, तो किसी ने उनसे कहा कि भाई जग तो मिथ्या है, यह हाथी भी मिथ्या है, यह हाथी भी माया है, आप क्यों भाग रहे हो जान बचाने के लिए? तो शंकराचार्य जी ने कहा मैं कहाँ भाग रहा हूँ, यह भी माया है, यह भी मिथ्या है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तो आज की दुनिया यह ऐसी दुनिया है, और इसीलिए हमें भी उस आभासी माया की दुनिया का सपना दिखाया जा रहा है, सारा ही आबादी आबाद होने का सपना हमें बताया जा रहा है, जिसके चलते आज हम लोगों ने कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, आज की परिस्थिति पर हम लोगों ने कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से इस बजट की ओर भी देखा जा सकता है, इस प्रकार से इस बजट को देखने का प्रयास कीजिए। आप भी इस आभासी दुनिया में, आप भी इस मायावी दुनिया में जिंदा रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, ऐसी निर्मला सीतारमण जी की इच्छा है, ऐसी नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, ऐसी मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह सब मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग दुखी हो, आप लोग दुखी हो, मुझे गाली दे और मुझे गाली देते देते निर्मला सीतारामन जी के लिए भी कम से कम एक दो अच्छे बुरे शब्द कहने का प्रयास करें, इस दृष्टि से भी कभी कभी देखना जरूरी होता है और देखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।